हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक कूलर जिसका मॉडल नंबर है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बजाज कूलेस्ट न्यू डीसी 2004। तो दोस्तों, इस कूलर का मैं कोई नया कूलर नहीं है, ये पुराना कूलर है। और इसको मैंने ये काफ़ी दिन हो चुका है इसको, तो मैंने इसको पूरा खोल खाल रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये बहुत बुरे हाल में है, और ये इसका हाल ये जल गया था, तो इसकी वजह से इसका हाल हुआ है। फिर मैंने इसको पूरा मेंटेन किया था, फिर से चला दिया था मैंने इसको अच्छी तरीके से, लेकिन फिर से इसका मोटर ख़राब हो गया, तो इसलिए ये अभी इस कंडीशन में है। लेकिन इसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी इसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, जो भी है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो कूलर है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा, हमने उससे ऑफलाइन ख़रीदा था, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके स्टार्टिंग से बात करें तो देखो, इसमें 40 लीटर की जो है वाटर टैंक कैपेसिटी होती है। अब देखो, मैं इसको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कूलर के अंदर होता क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ क्या प्लेस होता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमने ऐसे कूलर को ले लिया, लेकिन हम उसके अंदर का जानते नहीं कि उसमें कैसे चीज़ें क्या क्या लगी हुई है। तो मोस्टली सारे कूलरों में ऐसी चीज़ें लगी होती है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, 40 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी है। तो देखो, पानी कहाँ रहता है, पानी यहाँ इस डब्बे में रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस वाटर फ्लो सिस्टम होता है। कहने का मतलब, आपने सपोज इसमें यहाँ पे पाइप लगा दिया पानी वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस बक्से को भरने लगेगा पानी, और अल्टीमेटली जो ये वाला चीज़ है, ये वाला सिस्टम, ये जब पानी भरते जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर आते जाएगा, और जैसे ही पानी पूरा फूल जाएगा वो बिल्कुल सट जाएगा यहाँ पे आके ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि जो पानी इधर से आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, तो ये इसका ऐसा सिस्टम काम करता है। तो ये कंटिन्यूस वाटर फ्लोइंग सिस्टम के बारे में हो गया कि ये पानी कैसे भरता है इसमें, जैसे पानी भर जाएगा तो अपने यहाँ पे बंद हो जाएगा। 40 लीटर का टैंक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका पंप लगा होता है। पंप क्या करता है, इसमें पानी भरा रहेगा, पंप में जो है ये देखो, इस तार से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, और ये तार, ये पंप चलना शुरू हो जाएगा और ये पानी सक करेगा और इस पाइप से पानी को ऐसे यहाँ पे ऊपर पहुंचा देगा इस वाली चीज में, ठीक है। तो जैसे ही इस वाली चीज में पहुंचा देगा पानी, तो यहाँ पे देखो ये पानी ऐसे ऐसे पाइप से ऐसे गई है, और यहाँ पे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, देखो ये छेद दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, पानी इसमें से गिरता है और फिर ये इसके कूलिंग पैड्स में जाता है यहाँ पे, इसी तरह इधर भी है, ये पानी यहाँ से ऐसे गिरता है और इस वाले यहाँ पे पार्ट स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे फिर ऐसे कूलिंग पैड में जाता है पानी, तो ये इसके अंदर जाती है, और फिर इधर से जब आपका गर्म हवा आता है, इधर से जब गर्म हवा आता है तो यहाँ पे जो गर्म हवा आता है यहाँ पे, और ये पानी के यहाँ पे कूलिंग पैड्स में पानी होता है तो वो इवापोरेट होता है यहाँ पे, और फिर उसी से हमें ठंडा हवा इधर की ओर से हमें मिलता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका मोटर लगा होता है, जो मोटर मैंने अभी इसमें से निकाल दिया, वो मोटर मैं दिखाता हूँ आपको, उसकी कैपेसिटी वगैरह बताता हूँ सब कुछ, लेकिन यहाँ पे मोटर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मोटर का कैपेसिटर लगा होता है, तो सारे मॉडल में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही रहता है। यहाँ पे इसका कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पे इसका मोटर लगा होता है, और ये ऊपर से थोड़ा सा बंद सा होता है, ताकि ऊपर से मान लो थोड़ा बहुत पानी, अब देखो ये कॉम्पैक्ट इलाका है ना, तो पानी इसमें ज़्यादा पड़ सकता है। जो हमारे बड़े कूलर होते हैं जैसे वो मेटल वाले, तो उसमें ज़्यादा एरिया होता है, तो उसमें ये चीज़ नहीं दिया होता, वो डायरेक्ट मोटर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से ये वाला चीज़ दिया हुआ है। इसको निकाल देते हैं नीचे ताकि अच्छे से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका, और ये इसका ऊपर देखो, ये प्लास्टिक दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इस पर आग लग गया था उसके बाद, ये प्लास्टिक जो है खतरनाक प्लास्टिक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से काट दिया और इसके ऊपर मैंने वो बिछा के और इसको बना दिया था। देखो ओरिजिनली ये सिर्फ ऐसी चीज़ वायरिंग नहीं थी, ये वायरिंग मैंने किया इसको जलने वगैरह के बाद, ठीक है, तो वैसा मत समझना कि ओरिजिनली ऐसा था। अब देखो इसको कंट्रोल बताता हूँ। ये देखो, ये फैन का कंट्रोल है, जो मोटर होता है हमारा, मोटर जो है इसका 3 स्पीड मोटर है। देखो ये सबसे कम है 1, फिर 2, फिर 3, तो ये बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब जलता होगा, ये मैंने निकाल दिया था, जल गया था वो, ठीक है। ये जियो का मैंने स्टिकर वैसे लगा दिया है, और ये जो है स्विंग और पंप का है। तो दोस्तों स्विंग के बारे में मैं बताता हूँ पहले आपको। देखो स्विंग जो है, दूर से दिखाता हूँ, देखो स्विंग जो है इस वाले एरिया से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लग रखा है, एक तो ये लग रखा है स्विंग का ऊपर वाला सबसे, जो कि इसका कंट्रोल यहाँ पे है। देखो इसको नीचे करो नीचे हो जाएगा, ऊपर करो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सेम ये वाले से क्या होगा, इस वाले से ये ऊपर वाला कंट्रोल होता है, ये टूट गया है, ठीक है। तो ये सबसे फ्रंट वाला आपको कंट्रोल बता दिया मैंने कि मैनुअली होता है ऐसे ऐसे, और इसके अंदर जो है एक होता है,
इसके अंदर देखो देखो दोस्तों, ये वाला चीज है, ये वाला। तो ये देखो कैसे स्विंग होता है, ये यहाँ पे देखो इसका मोटर लगा हुआ है, छोटा सा मोटर लगा हुआ है ये। तो ये मोटर घूमता है, ठीक है। इसमें देखो इसका वायर दो ठो, ये जल गया था तो मैंने इसको बना दिया था, ये वायर दो जाता है और ये मोटर ऐसे 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 घूमता है। तो इसको ऐसे ऐसे घूमता है तो ये इसको स्विंग कराता है। तो ये ऑटोमेटिक है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसका ऐसे ऐसे स्विंग होते रहे तो हर डायरेक्शन में आपको एयर मिलते रहेगा, ठीक है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि 80 फीट तक एयर जाता है इसका, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं था, ठीक ठीक ही जाता था, उतना ज़्यादा दूर नहीं जाता था, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक तो मैंने आपको कंटिन्यूस वाटर सिस्टम वाला बता दिया, यहाँ से लगा दो पाइप को, पानी भरते रहेगा। लेकिन हमारे घर में क्या है, उतना होता नहीं है सिंटेक्स वगैरह, तो क्या करते थे हम, मैनुअली पानी भरते थे इसमें। तो यहाँ से हम पानी ऐसे डाल देते थे तो पानी ये इसमें से ऐसे चला जाता था टंकी में, ठीक है दोस्तों। अब मान लो पानी आपका भर गया, अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है पानी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पानी भरा है खत्म है। तो ये यहाँ पे एक मीटर सा दिया हुआ है, ये कैसे काम करता है ये दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों होता क्या है, ये जो अपना मीटर है उसका पीछे का इलाका है, ये देखो इसमें एक गोला सा वो लगा हुआ है, ये देखो ये वाली चीज लगी हुई है। तो क्या होता है, जैसे जैसे पानी भरेगा तो ये वाली चीज ऊपर आएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये गोल है, खाली है, गुब्बारे जैसा है, तो ये वाली चीज ऊपर आएगी। तो ऐसे हो जाएगा, तो ये पूरा फुल दिखाएगा वहाँ पे, और जैसे जैसे पानी खत्म होगा उसके हिसाब से वो नीचे चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसमें पानी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पानी नापने का तरीका है, ठीक है, वो भी कवर हो गया। और ये आपके कूलिंग पैड्स है जिसमें ये ऊड के जो लगे होते हैं, ठीक है। आजकल वो नए हनीकॉम्ब वाले आते हैं, लेकिन वो नहीं है, ये पुराना वाला टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। ये हो गया आपका, अब क्या बचा, ये देखो ये वाला तो पंप का वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका कंटिन्यूस सिस्टम, फ्लोइंग सिस्टम। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ओवरफ्लो ड्रेनेज है। मान लो आपका पानी आपका ज़्यादा भर रहे हो, ज़्यादा पानी भरते जाओगे तो पानी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पानी इस वाले से होते हुए ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इसका सिस्टम है, ये खाली रहता है तो यहाँ से पानी निकल जाता है। चलो दोस्तों ये तो हो गया आपका। अब इसका पीछे वाला जाली देखो यहाँ रखा है मैंने, ये देखो यहाँ पे पानी ऐसे गिरेगा और फिर यहाँ से पानी लीक होके यहाँ इसके इसमें चला जाएगा, तो इससे ये ठंडा कर देगा। ये देखो दोस्तों ये ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे लग जाता है। और ये देखो दोस्तों इसका जो है, ऐसे घुमाओगे तो ये खुल जाएगा, ऐसे करोगे तो कस आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला चीज लगा हुआ है ना, तो ये इसका इससे बंद होता है और इससे खुलता है ये वाली जाली, ठीक है। तो ये जैसा अब खराब हो गया, इसमें जंग जैसा कुछ लग गया है और ये इजीली घूमता नहीं है। ये देखो इसको एक बार ऐसे करके घुसा दो और ऊपर कर दो तो ये लग जाएगा। अब दिखाता हूँ दोस्तों इसका मोटर, तो ये देखो दोस्तों इसका मोटर है। तो ये देखो पहले से जलने के बाद भी मैंने इसको बना दिया था, चल रहा था, लेकिन अभी मोटर ही सारा, इसका कॉइल जल गया, इसका वाइंडिंग जल गया यहाँ पे, तो ये चलना ही बंद हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बजाज कूलेस्ट, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है देखो कैपेसिटर इसका 5 माइक्रो फैराड का है और 1350 आरपीएम है इसका। अब देखो दोस्तों जितना ज़्यादा आरपीएम रहेगा उतना ज़्यादा वो घूमेगा कस के, तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। 107 वाट लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी कलर कोडिंग बताई हुई है, देखो इसमें दोस्तों चार इसमें देखो यहाँ से वायर निकलते हैं, ठीक है। तो ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है और रेड है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि जो ब्लू होता है वो कॉमन होता है, जो हाई होता है वो ब्लैक के लिए होता है, और जो मीडियम होता है वो वाइट होता है, और जो लो होता है वो रेड के लिए होता है। तो दोस्तों ये चार वायर हैं और चारों की फंक्शनैलिटी ये है कि मान लो एक बार में अगर अलग अलग करोगे तो हाई चलेगा, स्पीड मीडियम चलेगा, लो चलेगा, यही वहाँ पे फैन कंट्रोल जो था यही काम करता है वो उसको, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लो आपका एक आध वायर इसमें से ख़राब भी हो जाए तो भी आप उसको चला सकते हो, कॉमन ना खराब हो, और बाकी इन तीनों में से कोई भी एक खराब हो जाए तो भी चला सकते हो आप, थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी है तो। ये इसका शाफ्ट है और ये यहाँ पे पूरा जंक लग गया था, मैंने इसको काट के निकाला है बाहर, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मोटर है, तो 1350 आरपीएम, आप देखो मोटर के कैसे पता चलेगा कितना फास्ट चलता होगा, तो 1350 आरपीएम में इससे पता चलता है कि ये फास्ट चलता है। अब 107 वाट ये बिजली लेता है, ठीक है। तो ये आपको मोटर के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों मैंने देखा अभी, मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने इसको खोलते खोलते देखा तो मुझे पता चला, इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये 5 साल के वारंटी में आता है इसका मोटर वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि इसको 5 साल हुआ होगा अभी इस कूलर को, तो मे बी मैं इसको चेंज करा सकता हूँ या वारंटी मिल सकता है मुझे, तो एक बार देखना पड़ेगा मैंने कहाँ पापन कहाँ से खरीदा था इसको, तो इसका कागज वगैरह है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ, मैं इतने दिनों से परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। अब इसको बनाने के लिए दोस्तों देखो इसमें वाइंडिंग जल गया है, तो अब यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ तो लोग बता रहे 550-700 रुपये, और नया मोटर मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा, वरना मैं नया ही खरीद कर लगाता हूँ। बड़ा दिक्कत है, नया मिलता ही नहीं ऐसा मोटर, इंडिया मार्ट पे मिल रहा है तो एक वो उसमें ख़रीदने में अलग प्रॉब्लम है,
ये समस्या है, पता नहीं क्यों ऑनलाइन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है ये, मिलना तो चाहिए था, इतने सारे कूलर होते हैं प्लास्टिक वाले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो स्विंग और पंप का एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें छूट गया। स्विंग पंप में क्या है दोस्तों कि देखो यहाँ पे एक लाइट जलते रहेगा, और देखो यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ स्विंग करेगा, देखो खाली स्विंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, स्विंग भी है और वाटर ड्रॉप भी है, मतलब स्विंग भी करेगा और पंप भी चलेगा, और यहाँ पे क्या है सिर्फ पंप चलेगा, समझ रहे हो दोस्तों। स्विंग मतलब ये वाले जो ऐसे 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 करता था। तो ये है दोस्तों पूरा पूरा कूलर के अंदर का पूरा सारा सामान जो भी है, ये है पूरा, इधर भी इसका कूलिंग पैड लगा होता है, तीन तरफ लगा होता है, तो हवा इसकी ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। देखो यहाँ पे वो जो मीटर दिखाता था पानी वाला, और मैं इसका कैपेसिटर भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें से काट के निकाल दिया था मैंने, तो ये इसका कैपेसिटर है, देखो 5 माइक्रोफेराड लिखा हुआ है ना, तो अगर आपको चेंज करना हो तो आप अलग से लेके उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन निकालने में देखो दोस्तों मुझे बहुत दिक्कत हुई इसमें से, क्योंकि ये इतनी कॉम्पैक्ट बनाते हैं ना कि निकालने में भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।